सो हेलो फ्रेंड, मैं सुशांत, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल सुशांत रॉय SDS, मेक योर ड्रीम होम एंड किचन। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आपको प्रेस्टीज ट्रैवल इंडक्शन की एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ, जिसकी वाटेज रहेगा 1200 वाट। सो फ्रेंड, ये है इंडक्शन की बॉक्स। सबसे जरूरी बात ये देखिए, ये जो इंडक्शन है ये मेड इन इंडिया है। बॉक्स के ऊपर कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए इंडक्शन के मॉडल लिखा गया है। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 2595 MRP रखा गया है। इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 1 ईयर की वारंटी के साथ, यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट, और ये जो वोल्टेज है 1200 वाट। ये है बॉक्स की अदर साइड। बॉक्स की अदर साइड में भी कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिया गया है। सो फ्रेंड, इंडक्शन के ऊपर माइक्रो क्रिस्टल ग्लास पैनल यूज किया गया है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल पैनल दिया गया है। इंडक्शन की जो लेंथ है वो है 10 इंचेस, और इसकी जो हाइट है वो है 2.5 इंचेस, और इसकी जो विड्थ है वो है 8.5 इंचेस अप्रॉक्स। इंडक्शन में यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ बटन दिया गया है, उसके साथ कुछ ऑप्शन दिया गया है खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पैनल, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन रखा गया है, और यहाँ पे टाइमिंग, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस बटन रखा गया है, ताकि आप लोग इसकी जो वाटेज या हीट है इसे कम या ज़्यादा कर सके। और यहाँ पे देखिए वाटेज मेंशन किया गया है 200, 400, 600, 900 एंड 1200। और यहाँ पे ट्रबल इंडक्शन इसकी जो मॉडल है वो मेंशन किया गया है, ऊपर में प्रेस्टीज ब्रांडिंग। सो फ्रेंड, इंडक्शन के ऑपोजिट साइड देखिए एक्चुअली कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जॉस्ट फैन रखा गया है, ताकि ये गर्म ना हो, और ये जो प्लास्टिक है ये PVC मटेरियल से बनाया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे इंडक्शन के सीरियल नंबर और कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। और फ्रेंड, ये जो जगह आप लोग देख रहे हो, यहाँ से ये एयर को अंदर या बाहर करने के लिए यहाँ पे जगह रखा गया है। सो फ्रेंड, ये जो इंडक्शन है आप इसे इजीली अपने बैकपैक में कभी भी कैरी कर सकते हो। एक्चुअली इसकी नाम ही ट्रैवल इंडक्शन है, ताकि आप लोग अगर बाहर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप ये इंडक्शन को कैरी करके ले जा सके हो। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो इंडक्शन की साइज है ये देखिए, ये मेरा हाथ का साइज ही है। इंडक्शन में आप लोगों को 6 एम्पियर 3 पिन प्लग दिया जाएगा, जिसकी कॉर्ड की लेंथ है अप्रॉक्स 38 इंचेस। सो फ्रेंड, इस इंडक्शन में आप लोग कोई भी स्टील का बर्तन जिसकी बॉटम एकदम फ्लैट हो, आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ आप लोग यहाँ पे नॉन स्टिक कुकवेयर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो इंडक्शन बेस्ड हो। और कुछ कुछ एल्युमिनियम का भी बर्तन आप लोगों को मार्केट में मिलेगा, जो इंडक्शन में काम करता है। सो फ्रेंड, इंडक्शन छोटा है, मतलब ये इंडक्शन बड़ा बर्तन इसमें आप बिठा नहीं सकते, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए तकरीबन ये जो कढ़ाई है 3.5 लीटर का है। मैं इस कढ़ाई को इसके ऊपर बिठा के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाए कि आप इसमें बड़ा बर्तन भी इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्कल दिया गया है इसके अंदर से ही हीट जनरेट होता है। सो फ्रेंड, इस इंडक्शन में मैं आपको पानी गर्म करके थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ बटन प्रेस करने के बाद ये जो डिस्प्ले पैनल है ये एक्टिव हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए हीट को कम करने के लिए माइनस बटन प्रेस कर रहा हूँ, और हीट ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली प्लस बटन प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में भी 1200 वाटेज में ये इंडक्शन चल रहा है। ये है मिल्क के लिए मिल्क ऑप्शन रखा गया है। और यहाँ पे है टाइमिंग बटन। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने टाइमिंग बटन प्रेस किया है, ये मिल्क ऑप्शन में है इसलिए टाइमिंग बटन काम नहीं कर रहा है। अभी देखिए ये टाइमिंग बटन काम करेगा, थोड़ा नया है इसलिए स्विच इसका थोड़ा हार्ड है। हाँ, ये अभी टाइमिंग फिट हो गया है। अभी देखिए मैं यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करके टाइमिंग को कैसे बढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट 6 मिनट। और यहाँ पे देखिए माइनस बटन प्रेस करने के बाद टाइमिंग कितना घट रहा है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करने से टाइमिंग आपका ज़्यादा करके चेंज हो जाएगा, 10 या 12 15 मिनट करके यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इंडक्शन के ऊपर से अगर आप लोग बर्तन कभी लिफ्ट करते हो तो इंडक्शन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। फिर से बर्तन को बिठाने के बाद इंडक्शन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। एक्चुअली आप थोड़ा नोटिस कीजिए, ये जो पानी है ये गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद मिल्क ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए। एक्चुअली मिल्क ऑप्शन में क्या होता है कि
इंडक्शन ऑन होता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है, फिर से ऑन होता है, फिर से ऑफ हो जाता है, लेकिन मतलब ये पानी गर्म है इसीलिए ये ऑप्शन काम में अभी नहीं आ रहा है। मैंने कुछ देर तक नोटिस किया है ये ऑप्शन गर्म पानी में काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपली थोड़ा पानी चेंज करके, अभी देखिए मैं ठंडा पानी यहाँ पे बिठा रहा हूँ। बर्तन में अभी ठंडा पानी है। अभी मिल्क ऑप्शन देखिए इजीली काम कर रहा है, आप थोड़ा नोटिस कीजिए। ये जो ऑप्शन है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सो फ्रेंड एक्चुअली और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए, इंडक्शन की साउंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। सो फ्रेंड इसी चीज़ को परखने के लिए मैंने अभी क्या किया है, मैंने स्टील का ये जो बर्तन है इसे चेंज करके मैं यहाँ पे नॉनस्टिक का कुकवेयर रखता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये साउंड करता है, मतलब ये ज़्यादा साउंड होता है कि नहीं होता है। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पानी एकदम उबल रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है नॉइज़ थोड़ा कम हो चुका है, मतलब ये यूटेंसिल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका नॉइज़ ज़्यादा आएगा या कम आएगा। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो एग्जॉस्ट फैन दिया गया है ये जब तक ऑटोमेटिकली बंद ना हो आप लोग प्लीज़ पावर कट ऑफ मत कीजिए, ये ऑटोमेटिकली 2 या 3-4 मिनट बाद बंद हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका जो ऊपर में सिरेमिक प्लेट है इसके ऊपर आप लोग कभी भी टच मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पे इंडक्शन को कॉल इन और एक टॉवल से इसको क्लीन करके आप लोगों को दिखाया है। आप लोग अगर चाहो तो कोई कॉटन क्लॉथ या गीली टॉवल से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। सो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो जगह दिया गया है इसके अंदर से पानी या लिक्विड अंदर पे ना जाए तो ये ख़राब हो सकता है। सो इंडक्शन के परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड इंडक्शन में आप लोगों को एक वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल दिया जाएगा। इंडक्शन की डिस्प्ले में कभी भी एरर कोड दिखाए तो यूज़र मैनुअल में पेज नंबर 15 में आप लोग उसका रीज़न जान सकते हैं कि वो एरर क्यों दिखा रहा है। और इंडक्शन के बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सही आंसर दे सकूँ। सो फ्रेंड और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे होम और किचन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।